कोरोना मुजोर मुल्क भर में मजीद 50 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान 2233 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 4.23% रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और भारतीय बर्बरियत का मामला उठाया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल को भी तकरीर का मौजू बनाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी से न्यूयॉर्क में अमरीकी मनसब की मुलाकात। पाकिस्तान काबुल में आलमी बरादरी के मस्बत किरदार का ख्वाहां है। वजीर खारजा सऊदी अरब तुर्की और फिनलैंड के वज़ीर खारजा से भी मुलाकातें। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वजीर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने अफगानिस्तान से इंखला को सराहा था। इमरान खान अजीम खिलाड़ी, वो क्रिकेट की दुनिया के मिकी मेंटल थे। साबिक अमरीकी सदर पाकिस्तान का दौरा क्यों मनसूख किया। बरतानवी वजीर आजम नाराज। ईसीबी के फैसले से पाक बरतानिया तालुकात मुतासर हुए। बोरिस जॉनसन ब्रिटिश मिनिस्टर्स भी इंग्लिश बोर्ड के रवैये पर बरहम। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए महफूज। ऑस्ट्रेलिया को लाजमी दौरा करना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मामले में दुनिया का दोहरा मयार। भारत में ऐसी सूरत हाल हो तो कोई उसे नो नहीं कह सकता। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फट पड़े। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। फवाद चौधरी और आजम सवाती ने जवाब जमा कराने का वक्त मांग लिया। 7 दिन के बजाय 6 हफ्ते की मोहलत दी जाए। वुजरा की इस्तदा। ACP आज दरख्वास्त का जायजा लेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तनाजा मजीद बढ़ गया। हुकूमत का सोर्स कोड और डिजाइन फार्मूला इलेक्शन कमीशन को देने से इनकार। ये दो चीजें दे दें तो कल को कोई और मशीन बना लेगा। ACP वक्त जाया किए बगैर अमली इकदाम करे। शिबली फराज। लंदन में बैठे नवाज शरीफ के नाम पर लाहौर में कोरोना वैक्सीन का इंदिराज। 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के 2 डेटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार। महकमा सेहत पंजाब की 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। ईरान सऊदी अरब के साथ मुजाकरात में पेशरफ पर खुश। इराक में बातचीत के कई दौर हो चुके। दोनों मुल्कों में मुस्तहकम और पायदार तालुकात का कयाम मुमकिन है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा। और कौमी T20 चैंपियनशिप। नॉर्दर्न ने 6 विकेट से फतह समेट ली। हैदर अली 58 और आसिफ अली 43 रन बनाकर नुमाया। इफ्तिताही मैच में बलोचिस्तान ने 140 रन का हदफ दिया था। दूसरे मैच में खैबर पख्तूनख्वा की सेंट्रल पंजाब को 36 रन से शिकस्त।